श्रीखंडम लखचंद्रकांत लहरी निर्व्याज माकन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च तत्सानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टि उपम सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा, तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुनः पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि गुरुवृंदावन बिहारी लाल की जय। तीन दिन अशोक असुविधा हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थना, क्षमा करेंगे। परम मंगल श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ पूर्व प्रसंग में श्री परीक्षित महाराज अपनी मैया श्री उत्तराजी को ये बता रहे हैं कि मैया एक बार श्री कृष्ण नारद जी सत्संग करने के लिए निकले, ये विचार करने के लिए कि कृष्ण कृपा किसके ऊपर ज्यादा है, कौन कृष्ण कृपा का अधिकारी है। ज्यादा कम की बात नहीं है, वे तो कृष्ण कृपा ढूंढने के लिए गई। किसी मांगलिक राजा ने ये कहा कि मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है, कृष्ण कृपा के अधिकारी है चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा के पास में गए तो चक्रवर्ती राजा ने ये कहा कि मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है, इंद्र के ऊपर है। जब इंद्र के पास में गए तो इंद्र ने ये कहा हमारे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है, कृष्ण कृपा के अधिकारी तो ब्रह्मा जी है। हम नारद जी पहुंच गए हैं ब्रह्मा जी के लोक में, और ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच करके नारद जी की तो सब जगह करती है, तो ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच करके जो ब्रह्मा जी की बड़ाई करने लगे, ब्रह्मा जी एकदम लजा रहे हैं, दीनता धारण कर रहे हैं, अपने आठ कानों को अपनी चार भुजाओं से बंद करने का असफल प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं बोले भैया मेरे ऊपर कृष्ण कृपा कहां, मैं तो ब्रज में चोर हूं, चोरता बछड़ा बालकों को मैंने चोराया, मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है। देख तुम जो ये कह रहे हो कि मैं कृष्ण कृपा का अधिकारी हूं, तो मेरा वैभव तो कुछ भी नहीं है। और 72वें श्लोक में आप आगे वर्णन कर रहे हैं, माने दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, उसमें निरूपण कर रहे हैं कि मया दत्ताधिक कारणम शक्रादीना महामले सदा हत विवेकानाम तस्मिन आगान से संस्मरो। बोल मैंने जिन जिन लोगों को भी अधिकार दिए, किसी को इंद्र बनाया, किसी को वरुण, किसी को कुबेर बनाया, तो मेरे द्वारा अधिकार को प्राप्त करके शक्रादीना, शक्र माने इंद्र, इंद्र आदि एकदम महामद में डूब गए, मतवाले हो गए, और सदा हत विवेकानाम मेरे द्वारा नियुक्त किए गए वे सारे लोकपाल, वे सब के सब इंद्र वरुण कुबेर, ये सब के सब लोकपाल हत विवेक का नाम, इनके विवेक इनमें है नहीं, और तस्मिन आगान से संस्मरो, इन सब के सामने एक तरफ से एक लाइन से सबके सामने श्री कृष्ण के प्रति जो अपराध किए हैं उनका नाम तुम स्मरण करो, न तो मैं भला ना मेरी ही कंपनी जो है वो भली है, मेरी पूरी पूरी कंपनी भी बेकार है, जितने भी पूरा जितना भी मेरा ये जो मेरा मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल भी सब बेकार है, कैबिनेट भी बिल्कुल बेकार है। तो इन्होंने कृष्ण के सबके ने कोई ना कोई अपराध किए हैं। अब पूर्व दिशा का राजा है इंद्र, उसने ब्रिजवासियों का विनाश किया। फिर ईशान कोण में भगवान रुद्र, शिव, अब वो शिव जो है वो तो अनेक अनेक बार
बाणासुर की ओर से कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ गए। बाणासुर को इतना पक्षपात कर रहे हैं, बाणासुर का कृष्ण से लड़ने के लिए तैयार हो गए। यमधर्मराज दक्षिण दिशा उनके स्वामी है, दक्षिण यम यम। अब यम ने गुरु के बालक को ही चुरा लिया और श्री कृष्ण यम के मान का भंग करके संदीप जो संयमनीपुरी है वहां से सांदीपनी ऋषि के बालक को ला करके गुरु जी को गुरु दक्षिणा में प्रदान किया। अब यम की क्या इज्जत रह गई, श्री कृष्ण ने उनके आदेश का खंडन कर दिया। अब इसके बाद में निवृत्ति, निवृत्ति माने मृत्यु, मृत्यु से उन्होंने गुरु के बालक को भी बचाया। तो वहां से भी मृत्यु उनकी भी कोई कीमत नहीं रही। वरुण, वरुण भी नालायक निकले, उन्होंने नंद बाबा के को ही हरण कर लिया और श्री कृष्ण उनसे लेकर के आए। फिर इसके बाद में वायु, वायु ने जब इंद्र ने वर्षा की तो वायु ने इंद्र का बड़ा सहयोग दिया। इसी प्रकार त्रावर्त के समय वायु बड़ा सहयोग करने वाला था, परंतु श्री कृष्ण ने त्रावर्त का भी वध किया और उन्होंने इंद्र के द्वारा की गई वर्षा वायु उसका भी खंडन किया। तो वायु ने भी वृक्ष का नाश करना चाहा, श्री कृष्ण ने उसको भी दंड दिया। फिर कुबेर, कुबेर के दोनों के दोनों अनुचर नरकुवर मणिद्वीप उनके वृक्ष बन करके विराजमान थे, कृष्ण ने उनके ऊपर भी अनुग्रह किया, नहीं तो बेचारे पड़े रहते वृक्ष बने हुए ही। परंतु तो उन्होंने वहां से वृक्ष योनि से उनको मुक्त किया और कुबेर के अनुचर, इसी तरह से कुबेर का अनुचर था मैदैत्य, उस मैदैत्य का व्योमासुर, उस व्योमासुर को भी श्री कृष्ण ने मारा और सखाओं को व्योमासुर से मुक्त किया। तो कुबेर के ऊपर भी उनका अनुशासन हो गया। फिर इसके बाद में जो अग्निकोण, पहले अग्निकोण और इधर ईशान कोण, तो ईशान कोण में रुद्र को दंड दिया और अग्निकोण में दावानल को उन्होंने कई बार दंड दिया। अब ऊपर रहे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा कह रहे हैं मुझे भी दंड मिला, मैंने भी उनके बछड़ा बालकों को चुराया। और नीचे रहा दसवीं दिशा में सर्प, अनंत सर्प, सो काली का नाथ को नाथ करके उन्होंने नीचे के लोकपालों की प्रतीक रूप में उन्होंने काली को भी दंड दिया। इस प्रकार दसों दिशाओं के जितने भी अधीक्षक थे, श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा स्वरूप रहा जिसमें के सबको दंड दिया गया। तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये इंद्र आदि जितने भी देवता हैं ये सब महामद में युक्त थे और इनके विवेक नष्ट हो गए थे और इन्होंने तस्मिन आगांसी, आगांसी माने अपराध, जो अपराध किए हैं उनका संस्मरण, उनका स्मरण कर लो, हम सब के सब नालायक हैं, कृष्ण के विरोधी हो गए और कृष्ण ने हम सब की अच्छी तरह से ठुकाई की है, हम कृष्ण कृपा के अधिकारी नहीं है। वृष्टि युद्धिया दिना इंद्रस्य, इंद्र ने ब्रजवासियों के ऊपर वृष्टि करके नाश करना चाहा, इसी तरह से युद्धादिना श्री कृष्ण इंद्र की रक्षा करने के लिए, इंद्र को देने के लिए कल्प वृक्ष गए, नहीं वो आदित्य जी के कुंडल और छत्र इंद्र को देने के लिए गए और शक्ति भामा जी ने कहा कि मारे कल्प वृक्ष मैं लूंगी, कल्प वृक्ष के पुष्प चाहिए, और श्री कृष्ण एक पेड़ ले जाना चाह रहे थे और एक फूल पत्ती के लिए, एक पेड़ के लिए इंद्र युद्ध करने आ गया और श्री कृष्ण ने इंद्र को युद्ध में पराजित किया। सो वृष्टि और युद्धादिना, वर्षा करके अपराध किया और एक पेड़ पौधे के लिए झगड़ा करने के लिए भी इंद्र तैयार हो गया। उस समय इंद्रस्य, इंद्र का मान भंग श्री कृष्ण ने किया और गोवर्धन मखादिशु,
गोवर्धन यज्ञ की स्थापना करके उन्होंने इंद्र को दंड प्रदान किया। और नंदा हरण वाणी धेनुरा दाना दे ना पते और अपते है माने पानी के स्वामी, जल का स्वामी है वरुण। वरुण देवता का भी उन्होंने खंडन किया कि नंदा हरण श्री नंद बाबा उनको जिस समय हरण करके ये ले गया उस समय वरुण देवता का उन्होंने खंडन किया। इसी तरह से वाणी बाणासुर जो है उस बाणासुर के संबंध से धेनु आदि जो है उन धेनु आदि का भी उन्होंने बाणासुर का भी मन बाणासुर के वध के प्रसंग में उन्होंने वरुण देवता जो है उन वरुण देवता का भी खंडन किया। तो नंदबाबा का हरण करके ले गया, जो धेनु है उन धेनुओं का भी कभी हरण करके दिया, परंतु श्री कृष्ण ने बाणासुर के प्रसंग में शिव जी को भी पराजित किया। और यमस्य च तदाचार्य आत्मजि दुर्मारणादिना, और यमधर्मराज जो है उन्होंने भी श्री कृष्ण के गुरुपुत्र उनको हरण कर लिया था। पंचीयन नामक दैत्य जो है उन पंचीयन दैत्य को श्री कृष्ण ने इस तरह से मारा। सो यमराज का एक अनुचर था पंचीयन दैत्य, उस पंचीयन दैत्य को मार करके श्री कृष्ण ने यम को भी दंड प्रदान किया। माने गुरुपुत्र को यमधर्मराज ने पंचीयन दैत्य के माध्यम से पहले गुरुपुत्र का हरण किया, फिर गुरुपुत्र को लेकर के अपने यहां पर रखा। श्री कृष्ण ने पंचीयन दैत्य का वध किया और दैत्य का वध करके फिर वरुण यमदेवता उनके यहां से गुरु के बालक को लेकर के आए। ये पंचीयन जो दैत्य था ये पंचीयन यम का ही कोई अनुचर है। और श्री सांदीप्य ऋषि का पुत्र जिस समय समुद्र में गया था उस समय ये पंचीयन दैत्य गुरुपुत्र का हरण करके ले गया श्री कृष्ण ने, और ले जाकर के इसने यमधर्मराज को दे दिया उस बालक को। परंतु श्री कृष्ण ने पंचीयन दैत्य का वध किया और फिर यमधर्मराज को भी अनुशासित करके उसके उनसे गुरु के पुत्र को वापस लिया, और वापस लेकर के गुरुदक्षिणा में सांदीप्य ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया। तो वही कह रहे हैं कि यमस्य तदाचार्य आत्मज दुर्मारणादिना, यम ने कृष्ण के गुरु सांदीप्य के पुत्र को दुर्घटना में मार दिया था, दुर्मारण में दुर्घटना में मार दिया था, परंतु श्री कृष्ण ने उनका संरक्षण किया। इसी तरह से कुबेरस्य आपि दुश्चेष्ट शंखचूर कृता देना, कुबेर जो है उसने भी दुश्चेष्टा की, और कुबेर का एक अनुचर था शंखचूर। उस शंखचूर ने होली वीणा में गोपियों का हरण करना चाहा, परंतु श्री कृष्ण ने शंखचूर का वध करके गोपियों को भी शंखचूर के बंधन से मुक्त किया। तो कुबेर के ऊपर भी कृष्ण ने दंड दिया। और अधो लोगे तो दैते यहा वैष्णव द्रोह कारणा, और नीचे के जितने भी लोग हैं उन लोगों में सारे दैत्य हैं जो कि वैष्णवों से द्रोह करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने समय समय पर उन दैत्यों का वध किया, और इस तरह से नीचे के लोगों को जिनको मैंने नीचे नियुक्त किया था ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनको भी श्री कृष्ण ने दंड देकर के उनके ऊपर भी अनुशासन किया। सर्वाष्ट सहायक क्रोध दुष्टा काली बांधवा, और काली के बंधु जितने भी अन्य सर्प थे
वे सर्प भी सहज क्रोध से युक्त हैं, उन्होंने काली को भी दंड दिया और काली को दंड देकर के मानो नीचे के लोगों के जितने भी वेदे द्वारा नियुक्त अधिकारी थे उनको भी काली के दंड के माध्यम से उन्होंने दंड दिया है। संप्रति अपि मया तस्य स्वयं वत्सास्तथार्वका, तो औरों की बात को जाने दो, मैं कौन भला आदमी हूं, मैंने भी अभी अभी श्री कृष्ण के बछड़ा बालक, संप्रति माने इस समय अभी अभी कृष्ण के वत्स तथा अर्भका, अर्भक माने बालक, बछड़े और बालक, इनको मैंने स्वयं ने भी चुराया है। वृंदावन ने पाल माना भोज ने माया होता, हाय हाय कोई भोजन करते समय तो किसी को नहीं छेड़ता है, परंतु कृष्ण भोजन कर रहे थे, मैंने कितनी दुष्टता की कि भोजन के समय उनके बछड़ा बालकों को चुराया, नहीं तो भोजन करते समय तो किसी को छेड़ना बहुत बड़ा पाप है। कोई भोजन कर रहा हो तो भाई चलो भोजन तो कर लेती, पेट तो भर, पर उस समय भी मैंने जरा भी चिंता नहीं की, वो उनके भोजन में भी बाधा डलवाई बछड़ा बालकों को चुरा करके। तो वृंदावन ने पाल माना, जब वे बछड़ों को चला रहे थे उस समय भोजन माया हरता, मैंने अपनी माया दिखा करके भोजन करते हुए कृष्ण के बछड़ा बालकों को भी चुरा लिया। ततो वीक्ष महाश्चर्यम भीतस्तत्वा नमन अपि, तब श्री कृष्ण ने महाश्चर्य प्रकट किया, माने स्वयं बछड़ा बालक सब कुछ बन गए, स्वामी बछड़ा बन गए, स्वामी बालक बन गए, और जब श्री कृष्ण महाश्चर्य से युक्त होकर के विराजमान हुए, बछड़ा बालक इनको चुराते हुए कृष्ण जब विराजमान, बछड़ा बालक रूप धारण करके कृष्ण जब विराजमान हुए तो मैं एकदम डर गया कि ये बछड़ा बालक कहां से आ गए, और उन बछड़ा बालकों को भी जब मैंने नारायण के रूप में देखा तो मैं एकदम डर गया। खूब नाक रगड़ रगड़ करके लोटपोट होकर के मैंने कृष्ण को प्रणाम किया, पर धृष्टो अहम वंचतस्तेनो गोप बालक लीलया, मुझ धृष्ट को भीट को श्री कृष्ण ने गोप बालक लीला करते हुए मुझको भी उन्होंने ठगा, अर्थात श्री कृष्ण जो है वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे बछड़ा जाने कहाँ हो गए, हम तो बछड़ा को ढूंढ रहे हैं और ये बाबा जाने कहाँ से सामने आकर के खड़ा हो जाता है और हमको अपने बछड़ा बालकों को नहीं ढूंढ लेता है। सो कृष्ण मेरी बात को नहीं सुन रहे थे, मेरी स्तुति को नहीं सुन रहे थे और अपने बछड़ाओं को अपने सखाओं को ढूंढने में ही लगे हुए थे। वो ऐसा ही कि ब्रह्मा जिस समय स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे ये स्तुति सुनी नहीं रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, भाई हमारे तो बछड़ा सखा खो गए हैं और ये बाबा बीच में आकर के टटिया लगा करके और खड़ा हो जाता है, हमें ढूंढने भी देता है, ऐसा दिखा रहे। तो मुझे श्री कृष्ण ने गोप बालक लीला, गोप बालक की लीला करते हुए जैसे अपने बछड़ा बालकों को ढूंढने में व्यस्त हैं, उन्होंने मुझे भी वंचित किया। मैं बड़ा भीट बार बार प्रणाम कर रहा हूं, इतनी लंबी चौड़ी प्रणाम की, पर कृष्ण मुझसे बोले नहीं। जब मैंने ब्रजवासियों की वंदना की, ब्रज भूमि की वंदना की, तो कृष्ण के मुख पर जरा सी मुस्कान आ गई, स्वयं मैं समझ गया कि अब इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया है। मुख से नहीं कहा कृष्ण ने क्या तुझे क्षमा किया, परंतु जरा सी मुस्कान आ गई, उसको देख करके ही मैं अपने आप को कृतकृत्य हो गया। और तब मुझे ये पता लगा कि कृष्ण को यदि प्रसन्न करना है तो कृष्ण की स्तुति करने की कोई जरूरत है ही नहीं, स्तुति करो किसकी, वृंदावन की भूमि की रज की, स्तुति करो ब्रजवासियों की। सो यदि ब्रजवासियों की स्तुति की जाएगी तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर मैं ब्रजवासियों की स्तुति करने लगा और उसको देख करके कृष्ण बस केवल मुस्कराते रहे, उनकी मुस्कान को देख करके मैं ये समझ गया कि कृष्ण की मेरे ऊपर कृपा हो गई है। तो दृष्टो हम वंचतस्ते नो गोप बालक लीलया, मैं ठीक और श्री कृष्ण मुझे वंचित करते रहे। तस्य स्वाभाविकास्य, तस्य स्वाभाविक आस्य
प्रसादे क्षण मात्रतः श्री कृष्ण ने स्वाभाविक रूप में आस्य अब्ज, आस्य कहते हैं मुख, अब्ज माने कमल, श्री कृष्ण के आस्य अब्ज मन मुख कमल उनमें कृपापूर्ण प्रसाद पूर्ण ईक्षण मात्रतः जब मैंने केवल दृष्टि मात्र देखी कि कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं उनके मुख के ऊपर, जब कृपा में दृष्टि मात्र देखी उस दृष्टि मात्र से ही मैं हृष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया और अपने आप को स्वयं बहुमन्ने कि आह कृष्ण कृपा में दृष्टि से बस मुझे देख लिया, भले बोले नहीं कोई बात नहीं, आशीर्वाद नहीं लिया, मुख से कुछ बोले नहीं, पर मुझे कृपा में दृष्टि से कृष्ण ने देख लिया है। तस्य माने उन कृष्ण की स्वाभाविक आस्याब्ज, स्वाभाविक रूप में ही मुख कमल के ऊपर विराजमान प्रसाद ईक्षण मात्रतः कृपा में जो दृष्टि थी उस दृष्टि का दर्शन करके हृष्टा मैं एकदम प्रसन्न हो गया और स्वयं बहुमन्ने मैं अपने आप को धन्य करके मानने लगा। तत्प्रिय ब्रजभूम गते हैं, श्री कृष्ण उनकी प्यारी ब्रजभूमि जो है उस ब्रजभूमि में विराजमान थे, उन कृष्ण की कृपा मात्र को प्राप्त करके, केवल दृष्टि मात्र से कृपा प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हो गया था। तत्रात्मनश्चरण स्थित्या अपराधास्यु इति त्रसन अपासवरण के मन ने इस तन निज असौहार की वर्णन नहीं। हे नारद, आपसे मैं क्या कहूं कि तत्रात्मन चिर स्थित्या, मैं इतना डर गया था कि भैया अब ब्रिज में ज्यादा नहीं रहूंगा, ब्रिजवासियों का अपराध बन रहा है। So, तत्र आत्मनश्चरण स्थित्या, वहां कृष्ण के पास में ब्रज में अपनी बहुत देर तक स्थिति से कहीं अपराध नहीं बन जाए, इस भय से मैं जल्दी से ब्रज से बाहर भागा। भागना नहीं चाहिए, और यदि इस भाव इस बात से भाग भाग जाएंगे तब तो सेवा से वंचित हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों को तो ब्रज में रहना चाहिए। मैं ठीक है, ये बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर रहकर के हम पे कहीं अपराध नहीं बन जाए, इसके फिर से बाहर भाव, ये ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ब्रज में ही रहना चाहिए। अरे रसोई करते समय कई बार अखबार में टेलीविजन में आता है कि भाई गैस सिलेंडर फट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या रसोई करना छोड़ दिया जाएगा क्या? तो इसलिए कहीं किसी को ब्रज में रहते हुए ब्रजवासियों का अपराध बन जाए, धाम का अपराध बन जाए, तो इस भय से कोई धाम की सेवा थोड़ी छोड़ी जाएगी, धाम में तो रहना ही चाहिए। हाँ, अपराध से बचना चाहिए, ये कहने का मतलब यह है कि अपराध से बचो, कहीं अपराध नहीं हो जाए इस भय से भागने की जरूरत नहीं है, बस ये निष्कर्ष की बात ही होगी। तो ब्रह्मा कह रहे हैं मैं इतना भयभीत हो गया था कि तत्र आत्मनश्चर स्थित्या, कि कहीं ज्यादा देर ब्रज में रहा तो ऐसा नहीं हो कि अपराध हास्यू फिर से अपराध और करने लगूं, तो अपराधों के भय से मैंने इति त्रसन भयभीत होकर के, मैंने त्रसन माने भयभीत होकर के अपासरम वहां से प्रस्थान कर लिया, वहां से दूर चल दिया। जैसे राजा के यश को किसी ने कहा गया कि राजा के यश का वर्णन करना यह भी गंगा स्नान के बराबर फल पुण्य देने वाला है, पर इस बात को सुनकर के कोई गंगा जी को छोड़ देगा क्या? गंगा जी का स्मरण तो किया जाएगा। तो राज प्रशंसा गंगा जल, गंगा स्नान के फल को देने वाली है, ये महत्व सुनकर के कोई गंगा जी का त्याग नहीं करता है, गंगा जी का त्याग तो गंगा जी का तो पालन किया ही जाएगा, उनका सेवन किया ही जाएगा। ऐसे ही यदि अपराध बन जाएंगे तो ये विचार करके गंगा का त्याग नहीं किया जाएगा, जो गंगा
उनका तो सेवन करते हुए ही विराजमान होगा। तो तत्त्वात् मानस चरम स्थित्या, वहां पर अपने आप की चित्त स्थिति इनका विचार करके अपासरण, मुझ पे कहीं अपराध न बन जाए, इस भय से मैं दूर हट गया। किमन्यस्तन निज सौभाग्य वर्णन नहीं, और आगे मैं क्या वर्णन करूं, अपने असौभाग्य वर्णन नहीं, अपने असौभाग्य का कहां तक वर्णन करूं। श्रीमद महाप्रभु के आदेश में भी ये बात प्राप्त होती है। ऊपर से देखने में ये लगता है कि जिससे मैं स्वरूप दामोदर वृंदावन आए, महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि वृंदावन जा रहे हो जाओ, पर एक बात ध्यान रखना, गिरिराज जी के ऊपर चढ़ना मत, वृंदावन में ब्रज में ज्यादा देर निवास मत करना, ब्रजवासियों के द्वारा ज्यादा के साथ में ज्यादा अंतरंगता मत रखना, नहीं तो तुम अपराध करोगे। जबकि इसलिए कह रहे हैं कि ब्रिज में ज्यादा मत रहना, परंतु रूप सनातन उनसे कह रहे हैं नहीं तुम ब्रिज में ही रहो। अब ये दोनों विरोधी आदेश महाप्रभु के, किसी से कह जा रहा कहा जा रहा है कि ब्रिज में ज्यादा मत रहना, और किसी से कहा जा रहा है कि तुम ब्रिज में स्थायी होकर के निवास करो। रूप सनातन से कह रहे हैं तुम स्थायी होकर निवास करो। तो यहां पर मूल जो आदेश है वो क्या है, मूल आदेश ब्रज में निवास करने का ही है। और श्री स्वरूप दामोदर उनके प्रति इतनी कृपा है, ये जानते हैं कि जैसे ब्रज के लिए जिन चीजों का निषेध किया वो चीजें तो श्री जगन्नाथ धाम में भी यदि रहेंगे स्वरूप दामोदर, तो क्या वहां पर वो धाम नहीं है क्या, वहां पर भी अपराध तो हो सकते हैं, परंतु चाहे ब्रज में रहें चाहे जगन्नाथ धाम में रहें, धाम का निषेध महाप्रभु ने कभी भी नहीं किया। क्योंकि स्वरूप दामोदर यदि जगन्नाथ धाम में भी रहेंगे, जगन्नाथ पुरी में भी रहेंगे, तो पुरी में रह करके भी तो वहां पर भी तो वही भाव हो सकता है, वही समस्याएं आ सकती हैं जो समस्या ब्रज के लिए उन्होंने बताई। तो केवल महाप्रभु का विशेष रूप से अत्यंत स्नेह श्री स्वरूप दामोदर में है, परम कृपा जो है उसको प्रकट करते हुए वहां पर विराजमान हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने आदेश प्रदान किया। और ये कहीं माध्यम से ये दिखाया कि श्री वृंदावन और जगन्नाथपुरी ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों ही। ये उपदेश करना ये ही लक्ष्य था। श्री जगन्नाथ धाम श्री जगन्नाथपुरी वो भी चिन्मय भूमि है, वो भी बिल्कुल प्राकृतता से गुणों से रहित होकर के विराजमान, जो वृंदावन धाम है वो ही श्री जगन्नाथ प्रभु की लीला भूमि शंख क्षेत्र, वह भी श्री वृंदावन होकर के ही विराजमान। दोनों में कोई अंतर नहीं है, धाम का निवास करो। वृंदावन से के अपराधों का संकेत करके ये जरूर बता रहे हैं कि किसी भी धाम में रहो, धामापराध से बचना चाहिए, बस इतना सा तात्पर्य है। धाम से हटाना ये महाप्रभु के उपदेश का कभी भी उद्देश्य नहीं था। चाहे वृंदावन में रहें चाहे जगन्नाथ धाम में रहें, बात तो वही है, परंतु तो धाम में रह करके अपराध मत करना, ये ही मुख्य लक्ष्य था। ये नहीं कि वृंदावन में जाकर मत रहना, ये लक्ष्य कभी भी नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी वृंदावन से जल्दी से भागा, ये तो डर की बात है, डर करके भागे, नहीं तो भागना नहीं चाहिए था, वृंदावन में रहना ही चाहिए था। अब ब्रह्मांड में ध्यस्मिन तादृत नेक्षे कृपास्पदम विष्णु किंतु महादेव एक अक्षात सकेत यह, इसलिए मैं कृष्ण कृपा का अधिकारी नहीं हूं। अतः ब्रह्मांड मध्येश में, इस पूरे ब्रह्मांड में अब यदि कोई मुझसे पूछे तो कृष्ण कृपा का अधिकारी कौन है, तो मैं ये कहूंगा कि तादृक न ईक्षे कृपास्पद, जैसे कृपा के पात्र श्री भगवान शिव हैं, ऐसे कृपा का पात्र और कोई नहीं है।
ब्रह्मा जी ने अपने आप को तो बचा दिया, आपने तो दोषों का वर्णन कर दिया, और अब महिमा गायन करने लगे कि मेरी भी अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ यदि कोई है तो वे भगवान शिव है। शिव के समान कोई भी कृपा पात्र नहीं है विष्णु, किंतु महादेव एव ख्याता, कृष्ण के कृपा प्राप्त महादेव ही है, महादेव के अतिरिक्त तो और किसी को मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि ख्यात सखेत यह श्री शिव विष्णु के सखा होकर के भी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण उनके प्रति सखा भाव रखते हैं, हमारे पर सखा भाव आप नहीं, हमारे ऊपर तो दंड दे देते हैं, दाद देते हैं, शिव जी के प्रति सखा भाव है। और शिव कुछ भी कार्य करें, भगवान शिव के सारे अपराधों को देखते ही नहीं है सख्य प्रीति के कारण, पर तो हमारे अपराधों को डांट देते हैं, मुझसे तो बोले भी नहीं, मैंने इतनी स्तुति की, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, परंतु शिव जी खूब वरदान देते हैं, उनकी खूब कृपा करते हुए विराजमान होते हैं। यश आप शिव जी की महिमा गायन होने लगी यहां से कि यश श्री कृष्ण पादाब्ज रसे मोन्मादित सदा अवधि सर्वार्थ परमेश्वर्य भूमिका। श्री शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं, यश्च कृष्ण पदाब्ज रसेन उन्मादिता, कृष्ण के चरण कमल के रस से भगवान शिव सदा उन्मत्त रहते हैं, पागल रहते हैं, और अवधृत सर्वार्थ कृष्ण प्रेम रस में अन्य जितने भी धर्म अर्थ काम मोक्ष सब को भगवान शिव अभिनित माने निंदित कर देते हैं, उन सबका त्याग कर देते हैं। तो कृष्ण चरण कमल के रस में उन्मत्त होकर के जो शिव अभिनित सर्वार्थ हो जितने भी अन्य धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थों को तुच्छ कर देते हैं, और परमेश्वर्य भोग कहा, शिव के पास में कोई ऐश्वर्य कम है क्या, सदाशिव लोक में शिव का जो ऐश्वर्य है आहा क्या वैभव है, गुणातीत ऐश्वर्य है, परंतु सदाशिव लोक के चिन्मय लोक के शिव लोक के भी उस ऐश्वर्य को त्याग करके वे कृष्ण प्रेम में ही डूबे रहते हैं। तो परमेश्वर भोग का परमेश्वर के भोग को भी वे त्याग कर देते हैं। श्री शिव उनका व्यवहार देखो, उनका चरित्र देखो, श्री सदाशिव के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि अस्मात् दृशो विषयो भोगासक्ता हसन एव, हम शरीर के जो विषयी जन हैं संसार में पड़े हुए हैं ऐसे भोग में आसक्त हम शरीर के विषयी जनों के ऊपर भगवान शिव सदा हंसी करते हैं, और हंसी करते हुए वे